हमारे साथ एक दोस्त है, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रईस हसन है और मैं यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, बागात में, IIPM में। फैंटास्टिक। रईस साहब, मैं जानना चाहूँगा साल 2017 का बजट क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको गवर्नमेंट से? वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन एज यू नो दैट जहाँ पे भी जिस सिस्टम में भी हम देखें वी हैव अ फोर मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। आज हम अगर एजुकेशन के हवाले हम बात करेंगे, आज हम बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे, दैट इन्वेस्टमेंट विल रियली बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। बिकॉज आज हम इन्वेस्ट करेंगे, यही लोग अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में कल ऑफिसर्स बन जाएंगे। लेकिन वी एक्सपेक्ट ए ग्रेट स्टाफिंग फंक्शन, बट उसके लिए गवर्नमेंट को पहले फंक्शन करनी होगी। दे नीड टू गिव इम्पीटस टू द एजुकेशन सेक्टर। रिसेंटली अगर आप देखेंगे, वी नो दैट देर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ्स, बट गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ ए फंक्शनरी, दे हैव टू यू नो टाइड ऑल दीज थिंग्स एंड वॉच वॉट इज हैपनिंग इन द एजुकेशन सेक्टर। वी शुड हैव लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर द स्टूडेंट्स, वी शुड हैव अ प्लान एग्जामिनेशन शेड्यूल, एंड वी शुड हैव अ यू नो proper arrangement in the schools, particularly in the government schools. अच्छा, देखिए आजकल के सिस्टम को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर अगर हम बात करते हैं, मेजर चेंजेस है, डेवलपमेंट्स है, और कहीं ना कहीं देखें तो आज वो एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा जो खाली हम बुक्स को लेकर ही बात करेंगे। कुछ ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स के साथ अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी हमारे एजुकेशन सेक्टर को बूम करने की, क्या मेजर चेंजेस इस साल बजट के हवाले से होनी चाहिए, खासतौर पर स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम को? देखिए, मैं एक, ये मेरी पर्सनल राय है, कैन बी रॉन्ग, इट्स माई परसेप्शन, कि 10+2 लेवल में मैनेजमेंट इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर चीज में लगती है, वेदर यू आर इन अ मीडिया, वेदर यू आर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेदर यू इन अ फैमिली, यू नीड मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। बट 10+2 लेवल में अभी मैनेजमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट मैनेजमेंट 10+2 पे लाए, ताकि स्टूडेंट्स को इन फंक्शंस के बारे में पूरा पता चले और आगे जाके वो इस मैनेजमेंट के हवाले काफ़ी एक्सेल करें। और प्लस जो रिसेंटली नईम अख्तर साहब ने और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इनिशिएटिव उठाया था विंटर स्कूलिंग की, दैट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज देर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज हु कांट अफोर्ड यू नो द कोचिंग इन परेपुरा एंड ऑल यू नो द हेफ्टी अमाउंट, दे हैड अ ग्रेट स्टेप। बट एक मसला है कि जब वो बच्चे पढ़ने आते हैं, दे डोंट हैव अ प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर फैकल्टी, फैकल्टी को ऐसे स्क्रीन किया जाए जो क्वालिफाइड फैकल्टी है वो पढ़ाया जाए, और मार्च के बाद उनका जो इनिशिएटिव है वो फिर नहीं रहता है। तो बराबर जून तक ही रहना चाहिए, जून जुलाई, और प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए गवर्नमेंट का। वेल, वी हैव अ स्टूडेंट हियर, इनसे भी हम राय जानना चाहेंगे। अगर हम बात करें, जी हाँ, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, तो आजकल देखा जाए तो वेमेन्स एम्पावरमेंट है, और खासतौर पर लेकर रियासती जम्मू कश्मीर की बच्चियाँ, खासतौर पर जो लड़कियाँ हैं, वो क्या सोचती है, क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से इन्हें भी साल 2017 के बजट के हवाले से? आपका नाम? हातिया। हातिया, अभी आप कौन सी क्लास में स्टडी कर? I've recently passed my 12th exams. What comes next after your 12th? I will go for BBA. BBA? Yeah. Achha, tell me something about this, like budget. Agar hum dekhe to education sector ko lekar, ek student ki kya expectation hai, khas toor pe aapki is saal 2017? I think ki women empowerment, that should be included in the budget. Kyunki budget se, eventually usi se sab kuch hum log, matlab manage hone wala hai in next year. So, mujhe lagta hai ki kuch aise plans hone chahiye, and girl empowerment mostly related to the education, that should be the major concern of the budget. Kuch aise plans hone chahiye, aise initiatives hone chahiye budget mein, jisse ki girl empowerment ho sake, so that unko equal opportunities mil sake. Fantastic. When we talk about the last year announcements regarding education system of the valley, do you think that ki wo kahin na kahin depict hui, ya kahin na kahin fayda mila, ya kahin na kahin aapko laga ki abhi bhi loopholes hain? Nahi, I think ki pehle se zyada jo last year initiatives hue the वो कहीं ना कहीं अच्छे से वर्क हुए, मतलब ठीक से हुए। अब कहीं जहाँ नहीं हुए तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी, बट स्पेशल मैसेज फॉर रसीब द्राबू साहब, फाइनेंस मिनिस्टर। आई थिंक मुझे यही लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसको बजट में कंसर्न लेना चाहिए। व्हाट्स योर नेम? महरीन। महरीन, अभी कौन सी स्टडीज हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? BBA, फाइनल ईयर। व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर BBA? सो मैनेजमेंट। व्हाई यू चूज मैनेजमेंट? टू गो फॉर बिजनेस, एक्चुअली आई वॉन्ट टू डू, I want to be a business tycoon actually. Budget ko lekar main private sector ko jodna chahunga. Do you think that we have vast private sector here? Ya agar dekha jaye to kal aapko business karna hai aur business ko lekar budget ke sath government kafi focused hai? No, actually we don't have any budget regarding the business and all that thing. Actually hum log dekha jaye to yahan par koi private
इंस्टीट्यूशंस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक EDI है जो हमारे बिजनेस को ये करता है, प्रमोट करता है या फिर लोन्स वगैरह देता है. आई वांट कि उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, हम लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स दिए जाए जो हमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाए उसके लिए. ओके, हम बात करेंगे अवेयरनेस कैंप्स की, या कहीं ना कहीं आपने देखा वर्कशॉप, कितना कुछ वर्कशॉप हो रहा है खासतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से एक एजुकेशन को बूमिंग फैक्टर की ओर. एक्चुअली खास कुछ नहीं हो रहा है. आई वॉन्ट कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं, ना फैसिलिटीज़ है, ना हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स को हो रहा है वैसे कुछ भी नहीं है. आई वॉन्ट हसीब रावत टू डू समथिंग फॉर दैम, मतलब कि उनको फैसिलिटीज़ हो विंटर्स के लिए, हीटिंग अरेंजमेंट्स हो, और कुछ नहीं. स्कूल्स को लेकर बताइए क्या खास डेवलपमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर. फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी, जैसे प्राइवेट एजुकेशन होती है, इंग्लिश मीडियम्स होने चाहिए एंड टीचर्स बोर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, और लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होनी चाहिए. लास्ट दिनों हम लोग ने देखा बहुत सारे स्कूल्स जलाए गए, दैट्स नॉट द थिंग. हम लोग को उनको मतलब कि वो दैट्स रियली नॉट द थिंग हम लोगों को करना चाहिए. हम लोग को अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके. यू हैव एक्सपेक्टेशंस दिस ईयर फ्रॉम बजट? आई हैव सो मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हसीब द्राबू एंड आई थिंक ही विल डू समथिंग. व्हाट्स योर नेम? सईद उल्फत. उल्फत जी, बताइए बजट के बारे में आपकी क्या राय है इस साल, साल 2017 सबकी निगाहें खासतौर पर एजुकेशन को लेकर करे तो आप भी एक स्टूडेंट है, आप भी पढ़ाई लिखाई के साथ अपने आप को कंटिन्यू कर रही, क्या मेजर चेंजेस होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस है? सर मैं ये चाहती हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम बीरवा सर, मैं बीरवा से श्रीनगर इसलिए आई बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट. सर मैं चाहती हूँ कि 2017 के बजट से मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि हर किसी कॉलेज में अब साइकोलॉजी सब्जेक्ट दे, ताकि किसी लड़की को किसी गर्ल को प्रॉब्लम ना हो जाए कि विलेज से श्रीनगर आने के लिए. मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि किसी लड़की को प्रॉब्लम ना हो जाए, ताकि वो अच्छी तरह से काउंसलिंग कर सके. फाइनली बताओ गर्ल्स के लिए कौन सी स्कीम होनी चाहिए? सर मैं ये चाहती हूँ कि हम स्कॉलरशिप वगैरह, और ये भी प्रॉब्लम हो गई है कि एकेडमिक्स में जस्ट लाइक कॉलेजेस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेमेस्टर वाइज रखा. सर हमें इस टाइम में BA सेकंड से मैंने रिसेंटली फिनिश किया. सर हमने 2015 में एडमिशन किया, अभी तक हम फर्स्ट ईयर में हैं, इसलिए मैं और फीस भी इतना बढ़ा दिया यूनिवर्सिटी वालों में, ताकि मैं इसमें चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए. महनाज खुर्शीद. आपका? अली अली. दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि लास्ट ईयर के बजट से आप खुश हैं या इस साल एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट है? सर इस साल एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, आउटसाइड कंट्रीज़ भी जाते हैं, कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज प्लस मैनेजमेंट कॉलेज होने चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी जगह अपनी स्टेट से और कहीं जाए. इससे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फेस भी बहुत कुछ करना पड़ता है. इसलिए मैं चाहती हूँ कि हसीब द्राबू से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो इस बार इम्प्लीमेंट करे कि गवर्नमेंट कॉलेज प्लस मैनेजमेंट कॉलेज वो यहाँ पे. आपसे जानना चाहूँगा कि बात करेंगे MBBS के हवाले से, मैक्सिमम देखा जाए तो हम लोग बाहर की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की ओर. कश्मीर में आप चाहते हैं कि बहुत और भी कॉलेजेस डेवलप हों, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बने. जैसे सर ने कहा, मैनेजमेंट के लिए कोई इंतज़ाम भी नहीं है यहाँ पे, वैसे MBBS के लिए कोई यहाँ पे इतने सारे है कि उनका बजट नहीं होता है बाहर जाने के लिए. तो यहीं पे अगर वो कॉलेज, मतलब बाहर जाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है हमारे लिए, तो यहीं पे अगर कॉलेज बने तो कम से कम जो हमें वहाँ पे एक्सपेंसिव होते वहाँ यहाँ सारे इतने सारे नहीं होंगे. तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज बने, ताकि जो हम बाहर जाते हैं वो यहीं पे पढ़े. सिलेक्शन के बारे में बताइए मुझे, टीचर्स को हवाले. फेयर सिलेक्शन, नो कमेंट. नहीं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ पे फेयर सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है. अगर हमें चाहिए कि हम देखें कि कौन कितना क्वालिफाइड है और उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो हमें ऐसी एजुकेशन दे सके. अगर वो खुद भी क्वालिफाइड है, कितनी एजुकेशन दे सके, तो हमें उस तरीके से देखना है ये कितनी हेल्प कर सकते हैं. हम हैव एक्सपेक्टेशंस दिस ईयर? यस, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है. हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में
बहुत कुछ हो, अभी बहुत कम है. एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है. और सेमिस्टर के लिए हम चाहते हैं कि सेमिस्टर ना हो, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन किया वो अभी भी 2 साल हुए, वो अभी भी सेमिस्टर में ही अटके, अभी भी फर्स्ट ईयर में. वेरी मच. बात अगर हम बात करें तो इस बजट सेशन को लेकर आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ के हवाले से हमने बात की, तो आज कुछ बच्चों के साथ भी हमने जाना आखिरकार 2017 के हवाले से जो बजट की खासतौर पर जो नजरिया है रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से किस तरह की है, यानी कहीं ना कहीं एजुकेशन में कोई चेंज है एक्सपेक्टेशन, और खासतौर पे अनाउंसमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद है. लास्ट ईयर नो डाउट थोड़ा सा लैकिंग रहा, लास्ट ईयर का ये मानना है कि कुछ स्कीम्स डेवलप नहीं हुई, कहीं ना कहीं लूप होल्स दिखाई दिए, मगर इस साल हसीब द्राबू से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेशन है. कैमरा पर्सन फिरदोस के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर.